उत्तर प्रदेश के एटा में समाजवादी पार्टी के महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव के रिश्तेदार रामेश्वर सिंह यादव और उनके भाई जोगेंद्र सिंह यादव के खिलाफ पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। रामगोपाल यादव के करीबियों पर ये केस सरकारी जमीनों पर कब्जा करने को लेकर दर्ज किया गया है। बता दें कि पहले भी जिला प्रशासन ने इन दोनों भाइयों को भूमाफिया घोषित किया था। कुछ दिनों पहले इन दोनों भाइयों के भट्टे पर योगी सरकार ने बुलडोजर चलाने की भी कार्रवाई की थी। रामेश्वर सिंह यादव और जोगेंद्र सिंह यादव के ऊपर जिला प्रशासन ने कई गंभीर आरोप लगाए। जो FIR दर्ज की गई है उसमें कहा गया है कि इनका समाज में स्वतंत्र रूप से घूमना जनहित और न्याय हित में उचित नहीं है। बता दें कि 2022 के विधानसभा चुनाव में रामेश्वर सिंह यादव अलीगंज विधानसभा से और जोगेंद्र सिंह यादव एटा सदर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे। सपा नेता रामेश्वर सिंह यादव और जोगेंद्र सिंह दोनों सपा के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव के करीबी रिश्तेदार हैं। प्रोफेसर रामगोपाल यादव से संबंध और मुलायम परिवार के नज़दीक होने की वजह से इन दोनों भाइयों का जिले में बड़ा राजनीतिक कद है। रामेश्वर सिंह यादव दो बार समाजवादी पार्टी से विधायक रह चुके हैं तो वहीं जोगेंद्र सिंह यादव तीन बार जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुके हैं। वर्तमान में जोगेंद्र यादव की पत्नी रेखा यादव जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। हालांकि योगी सरकार की दोबारा वापसी के पास से ही इन दोनों भाइयों के खिलाफ कार्रवाई के कयास लगने शुरू हो गए थे। इन दोनों भाइयों पर समाजवादी पार्टी के शासन के दौरान जबरन सरकारी जमीनों को कब्जाने का आरोप है, जिसको लेकर आज जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।